ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है कभी भी आपको ये बातें किसी को नहीं बताने चाहिए अगर आप ये बातें किसी को बताते हैं तो आप अपने हाथों से अपने ग्रहों को ख़राब कर सकते हैं और ज़्यादातर लोग ये गलतियाँ करते हैं तो अगर आप ये गलतियाँ कर रहे हैं तो अभी वक्त है इन्हें सुधार लें इन गलतियों पर आप काम कर लें तो शायद आप खुद की बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि बहुत सारे जातक अपने व्यवहारिक ज्ञान या व्यवहारिकता में अपने ग्रहों को ख़राब करते रहते हैं और उस वजह से वो कई सारे उपाय भी करते हैं लेकिन फिर उन्हें फ़ायदा नहीं मिलता है तो ऐसे कोई भी जतन या कोई भी परेशानी से पहले अगर हम ये बातें समझ लेंगे तो हम एक बड़ी परेशानी से बच सकते हैं दोस्तों आप सभी का आपके चैनल में बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखे जो भी नाम आपको अच्छा लगे आप वो नाम लिख सकते हैं और अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस हमसे करवाना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लें अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे बात कर सकते हैं उसका फ़ीस और शुल्क लागू है अगर आपकी कोई भी परेशानी है कोई भी तकलीफ़ है तो आप तनाव में हैं डिप्रेशन में हैं या कोई चिंता आपको खा रही है या कोई परेशानी आपका ऐसा लग रही है तो ज़रूर एक बार आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात करें आपकी समस्या का समाधान सकारात्मक तरीके से जो भी होगा करने की पूरी कोशिश की जाएगी उसका फीस लागू है दोस्तों सबसे पहली बात जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है आपका धन जब भी लोगों को आपके धन के बारे में पता लग जाता है तो लोग अपने तरीके से उसका मिसयूज़ करते हैं और मैं अक्सर लोगों को यही कहता हूँ पुराने लोग भी ये बात कह गए थे कि हमारे धन को हमेशा ढक कर रखना चाहिए इसलिए क्योंकि लोग आपके पास अपनी मजबूरियाँ लेकर आएंगे आपसे उम्मीदें रखेंगे और अगर आप मदद नहीं करेंगे तो उससे आपके अच्छे व्यवहार ख़राब हो जाएंगे अगर आपने धन दे दिया तो भी व्यवहार ख़राब हो जाएंगे इसलिए हमेशा धन को ढक कर रखना चाहिए अर्थात किसी को बताना नहीं चाहिए जिसकी मदद बने कम से कम हम करके दूर हट जाना चाहिए दूसरी और मुख्य बात है गुप्त बातें हम बहुत खुश होते हैं तो बहुत सारी गुप्त बातें लोगों से शेयर कर देते हैं ऐसा है ये है वो है कभी भी गुप्त बातों को गुप्त रहना चाहिए कभी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्हें पब्लिक डोमेन में आने के बाद परेशानी आपकी बढ़ती है सामने वाले के लिए तो एक बात है इस कान से सुनी निकाल दी तीसरी बात अपना गुरु मंत्र का जब आप कितना करते हैं ये कभी किसी से शेयर नहीं करें अगर अच्छा लगा तो लाइक करना शेयर करना कमेंट्स करना ओम नमः शिवाय